मशहूर टीवी मेजबान और अदाकारा नादिया खान को अपनी पहली शादी के 10 मिनट बाद गलती का एहसास हो गया था। शादी मोहब्बत की थी, लेकिन शादी के 10 मिनट बाद ही मोहब्बत का पोल खुल गया और मजबूरी में 10 साल गुजार दिए। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा मेजबान नादिया खान ने इंकशाफ किया कि इन्हें अपनी पहली शादी के 10 मिनट बाद ही गलती का अंदाजा हो गया था। अदाकार साजिद हसन के साथ YouTube चैनल पर गुफ्तगू करते हुए नादिया खान ने अपनी पहली शादी और इसके बाद पेश आने वाले हालात के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगरचा मेरी पहली शादी मोहब्बत की थी, मगर 10 मिनट बाद ही इदराक हो गया था कि मैंने शादी का गलत फैसला किया है। उसके बावजूद भी मैंने 10 साल तक रिश्ते को निभाने की कोशिश की। अदाकारा ने कहा कि अब मेरी बात सुनकर लोग कहते हैं कि आखिर क्यों फिर इतने लंबे अरसे तक शौहर के साथ रही, तो मैं बतौर औरत अपना घर बसाना चाहती थी, जिसको बचाने के लिए 10 साल तक कुर्बानी दी। नादिया खान ने जल्द रिश्ता खत्म न करने की वजह माशरे को करार दिया और कहा, मेरे घर वाले इसके मुखालिफ थे और वो खास ख्यालात भी रखते थे। एक दिहाई तक कोशिशों के बावजूद भी शादी नाकाम हो गई, मगर मैंने अपने साथ पेश आने वाले तमाम मामलात वालदैन और घर वालों से छुपा कर रखे। नादिया खान ने कहा, शादी के फैसले से सिर्फ मेरे ही साथ ज्यादती नहीं हुई, बल्कि मैं समझती हूँ के साबिक शौहर के साथ भी गलत हुआ। उन्होंने बताया कि बच्चे अक्सर अपने बैरून मुल्क मुकीम वालिद से मिलते हैं और वो इसकी हिमायत भी करती हैं। नादिया खान की पहली शादी खावर नामी शख्स से हुई थी, जिसके बाद उनके यहाँ बेटी और बेटे की विलादत हुई और फिर ये अलहदगी की सूरत में खत्म हुई, जिसके बाद अदाकारा ने 2021 में पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर से शादी की। नादिया खान के दूसरे शौहर फैसल मुमताज राव की इससे कबल 2 शादियां हो चुकी हैं और ये अदाकारा के साथ उनकी तीसरी शादी है।